विद्यार्थियों, कक्षा 9 गणित अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.1 और प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को मैं आप लोगों को बता चुका हूं। आज हम आप लोगों को प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 अर्थात इस प्रश्नावली के समस्त प्रश्नों को इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, इसमें जो बहुपद दिया है उस बहुपद में इन दिए गए बहुपदों से भाग देकर शेषफल ज्ञात करने की बात कही जा रही है। तो देखिए, कक्षा 7 और 8 सात में तो आप लोगों ने बहुपदों का गुणा करना सीखे, 8 में आप लोग बहुपदों में बहुपद से भाग देना सीखे और शेषफल ज्ञात करना। आज हम लोग कक्षा 9 की क्लास में बिना भाग दिए हुए किसी बहुपद से भाग देने पर क्या शेष आ सकता है, इस बात को हम लोग बिना भाग दिए ही भाग शेषफल ज्ञात करना सीखेंगे। माने हमें बहुपद में भाग देने की आवश्यकता नहीं है कि हम भाग देकर शेष प्राप्त करें, क्योंकि दो विधियां हैं, भाग देकर भी आप शेष पता कर सकते हैं और बिना भाग दिए भी आप शेषफल पता कर सकते हैं। तो आज हम लोग इस प्रश्न को हम दो तरीके से हल कर सकते हैं, एक तो भाग देकर भी हम शेष प्राप्त कर सकते हैं और दूसरा बिना भाग दिए भी शेषफल प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना भाग दिए जो हम लोग शेष प्राप्त कर लेते हैं या जान लेते हैं उसका नाम होता है शेषफल प्रमेय। जैसे ये आपके सामने बहुपद क्या दिया है, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x+1। इस बहुपद में आपको x+1 से भाग देकर शेष ज्ञात करना है। तो दो तरीके हैं, पहला तरीका तो है चाहे तो आप x+1 से इसमें आप भाग देकर शेष पता कर लें, और दूसरा तरीका आपके पास ये है कि बिना भाग दिए भी आप शेष पता कर सकते हैं। तो कैसे बिना भाग दिए आप शेष कैसे पता करेंगे, ये वाला तरीका हम आपको बताने चल रहे हैं। चूंकि आपके इसमें भले ही प्रश्न में लिखा है कि भाग देने पर शेष ज्ञात कीजिए, लेकिन प्रारंभ में प्रश्नावली के प्रारंभ में यही बात लिखी हुई है, शेषफल प्रमेय। क्या लिखा हुआ है, शेषफल प्रमेय। तो हम इसलिए उस आधार पर आपको बता रहे हैं। तो हम लिखेंगे x³ + 3x² + 3x+1 में x+1 से भाग देने पर शेषफल ठीक जानने के लिए x+1 की तुलना 0 से करने पर, तो जिससे भाग देना रहे पहले उसकी तुलना आप किससे करेंगे, 0 से करेंगे। तो हमें भाग किससे देना है, x+1 से। तो हम तुलना करेंगे x+1 = 0, x+1 की तुलना हम 0 से कर लेंगे तो हमें मिलेगा क्या, x = -1, क्योंकि +1 है, पक्षांतर करने पर -1 हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या कि x के स्थान पर -1 प्रतिस्थापित कर देंगे बहुपद में, तो क्रिया करने पर कुछ अचर पद के रूप में कोई संख्या आ जाएगी, वही शेष आपका बन जाएगा। तो हम लिखेंगे कि x = -1 रखने पर, ठीक, तो कहां रखने पर, बहुपद में। तो हम यहां बल्कि लिख देते हैं कि बहुपद x³ + 3x² + 3x+1 में x = -1 रखने पर। तो हम इस बहुपद में रखते हैं x³ + 3x² + 3x
प्लस वन, इस वाले बहुपद में x के स्थान पर हम क्या रखेंगे माइनस वन, तो माइनस वन का होल क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस वन प्लस वन। तो जब माइनस एक का हम घन करेंगे तो माइनस एक ही आएगा। किसी ऋणात्मक आधार के ऊपर विषम घात होने पर उसका मान सदैव ऋणात्मक होता ही है। प्लस तीन गुणते माइनस एक का वर्ग करेंगे प्लस एक पाएंगे, फिर माइनस तीन करना तीन प्लस वन, तो माइनस एक प्लस तीन करना तीन माइनस तीन प्लस वन। अब देखिए इसमें कुछ पद धनात्मक है और कुछ पद ऋणात्मक है, तो धनात्मक का अलग से संग्रह, ऋणात्मक का अलग से संग्रह कर लीजिए। तो देखिए तीन ये वाला और ये एक, तीन एक चार, ये आपका पॉजिटिव चिन्ह में है तीन एक चार, और ये तीन और एक ऋण चिन्ह में है तो माइनस चार। भाई ये धन में है, ये धन में है, तीन एक चार हो गया, और ये ऋण में है तो माइनस चार हो गया। अब घटाने पर क्या बचेगा जीरो। तो अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन में अगर हम एक्स प्लस वन से भाग दें तो शेष के रूप में क्या आएगा जीरो। ये देखिए हम लोगों ने बिना उस बहुपद में, माने उस बहुपद में हमने एक्स प्लस वन से जैसे भाग दिया जाता है उस तरह से भाग देकर हम लोगों ने शेष नहीं प्राप्त किया, बल्कि किसी अन्य तरीके से हम लोगों ने शेष को प्राप्त कर लिया। तो इस तरीके से जो हम लोग शेष प्राप्त करते हैं किसी बहुपद में भाग देकर, वही है शेषफल प्रमेय। तो इसी तरह से आपका जो ये सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट, फोर्थ और फिफ्थ, इन सारे पार्ट जो लिखे हुए हैं इससे आपको इस बहुपद में क्या देना है भाग देना है, और भाग देकर आपको शेष पता कर लेना है। तो हम आपको सेकंड वाला पार्ट भी बता देते हैं इसी तरह। तो इसको हम यहाँ थोड़ा से जो यक्स प्लस वन लिखे थे हम लिख देंगे यक्स माइनस वन बाई टू से भाग देने पर शेषफल जानने के लिए यक्स माइनस वन बाई टू की तुलना शून्य से करने पर, तो इसकी तुलना हम शून्य से कर देते हैं तो इसमें आप पाएंगे कि यक्स माइनस वन बाई टू बराबर जीरो। तो यक्स बराबर चाहेंगे तो एक बटा दो मिल जाएगा, तो हम लिखेंगे कि बहुपद एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन में यक्स बराबर क्या रखने पर एक बटा दो रखने पर शेष प्राप्त हो जाएगा। तो जब हम एक बटा दो रखेंगे तो ये क्या है हमारा बहुपद एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। ठीक, अब इसमें भाग देना किससे था हमको इससे, तो क्या शेष बचेगा इससे आप कर ले। तो यहां क्या रखेंगे यक्स के स्थान पर एक बटा दो, तो एक बटा दो का होल क्यूब प्लस थ्री इंटू एक बटा दो का होल स्क्वायर प्लस थ्री इंटू वन बाई टू प्लस वन। तो जब एक बटा दो का अगर आप घन करेंगे तो आप पाएंगे एक बटा आठ प्लस तीन का तीन गुणते एक बटा दो का वर्ग करने पर एक बटा चार होल स्क्वायर का मतलब होता है अंश हर दोनों का वर्ग होगा, तो एक का भी वर्ग एक होता है, दो का वर्ग चार होता है। यहां देखिए एक का घन एक होगा, दो का घन आठ होगा, क्लियर हो गया। प्लस तीन करना तीन बटा दो प्लस एक, अब ये देखिए एक बटा आठ प्लस तीन करना तीन बटा चार प्लस तीन बटा दो प्लस कितना एक। अब हम देखेंगे इसमें, देखिए यहां हरा है आठ, यहां है चार, यहां है दो, तो यहां हर क्या मान लेते हैं हम एक मान लेते हैं। तो एक दुई चार आठ का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आठ आएगा, तो जब हम आठ में आठ से भाग देंगे तो एक बार जाएगा। अब एक का गुणा हम एक में करेंगे तो एक ही बार जाएगा, प्लस चार दूनी आठ तो दो आया, दुई तिहाई छ प्लस दुई चौ चार बार गया, चार तिहाई बारह प्लस एक अट्ठे तो आठ करना आठ। अब हम पूरे ऊपर के पदों को जोड़कर बटा आठ लिख देंगे, तो जब ऐसा हम करेंगे तो बारह बारह आठ बीस, बीस छब्बीस एक सत्ताईस बटा आठ। तो ये जो सत्ताईस बटा आठ आपके सामने आ गया यही जो है इस बहुपद माने एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन में जब हम एक्स माइनस वन बाई टू से इसमें भाग देंगे तो शेषफल के रूप में ये सत्ताईस बटा आठ आपका
आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों आपको तीसरे वाले यक्ष से भी भाग देकर शेष प्राप्त कर सकते हो, तो यक्ष की तुलना जीरो से करोगे तो यक्ष बराबर जीरो आएगा, इसमें जीरो रखने पर शेष प्राप्त कर लेंगे। फिर इसी तरह इसमें भी यक्ष बराबर माइनस पाई आ जाएगा, तो माइनस पाई रखकर शेष प्राप्त कर लीजिए। फिर इसी तरह इसमें भी 2x प्लस 5 बराबर 0 करेंगे तो 2x बराबर माइनस 5 होगा, तो x बराबर माइनस 5 बाई 2, तो माइनस 5 बाई 2 रख दीजिए x के स्थानों पर, तो शेष आपका आ जाएगा, हल करने पर जो आएगा वही शेषफल कहलाएगा। तो ये है बिना भाग दिए हुए शेषफल प्राप्त करने की विधि। और दूसरा तरीका है कि आप भाग देकर भी शेष प्राप्त कर सकते हैं, जिसे आप कक्षा 8 में अध्ययन कर चुके हैं। तो देखिए इसी प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 2 को भी हम आप लोगों को बता रहे हैं। प्रश्न संख्या 2 में क्या दिया है, प्रश्न संख्या 2 में दिया है कि x क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। माने x क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को कितने से भाग देकर, x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ये हमको ज्ञात करना है। तो हमने लिख दिया कि x क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल जानने के लिए अब मैंने क्या कहा था कि जिससे आपको भाग देना हो पहले उसकी तुलना जीरो से करेंगे। तो जब हम x माइनस ए की तुलना हम किससे करेंगे, जीरो से, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, x बराबर ए मिल जाएगा। तो हम लिख देंगे कि शेषफल जानने के लिए x बराबर ए दिए गए बहुपद में रखने पर तो जो हमारा दिया गया बहुपद है अर्थात जिसमें मुझको भाग देना है, उस बहुपद में जहां x मिले वहां क्या रख दिया जाए, a रख दिया जाए, तो शेष मिल जाएगा। तो हम लिखते हैं कि x क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। अब हम x के स्थान पर a रखेंगे तो a का क्यूब माइनस a गुणे a का स्क्वायर प्लस 6 गुणे ए, यक्स पर ए रख रहे हैं माइनस ए, तो ए क्यूब माइनस इसका दोनों का गुणा करेंगे ए क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आधार समान होने पर गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, तो इस पर दो घात और इस पर एक घात, तो ए क्यूब हो गया। और प्लस हमारा ये 6 ए बन गया माइनस ए बन गया। अब देखिए आपके पास ए क्यूब पॉजिटिव और ए क्यूब निगेटिव है, इसलिए आपस में कट जाएंगे, ये 6 ए में से जब ए घटेगा तो क्या बचेगा 5 ए, तो ये जो 5 ए बच गया यही जो है शेषफल है। किसमें, जब आप x क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को जब x माइनस ए से भाग देंगे तो शेषफल के रूप में 5 ए आ जाएगा। कितना जाएगा तो 5 ए। तो हम लिखेंगे अतः शेषफल बराबर क्या लिख देंगे, अतः शेषफल बराबर आपका 5 ए बनेगा। ठीक। अब इसी तरह से देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x कामा 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। तो देखिए ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत आसान है, थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये देखिए माने कि कह रहा कि जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x कामा 3x क्यूब प्लस 7x का गुणनखंड है या नहीं। तो देखिए किसी बहुपद का कोई बहुपद गुणनखंड है या नहीं, यह जानने के लिए हमें करना क्या होता है, उसका शेषफल प्राप्त करना होता है। अगर शेषफल आपका शून्य आ गया, भाग देकर शेषफल प्राप्त करना होता है, अगर जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे भाग देने पर अगर शेष क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि हम
जिस बहुपद से भाग दे रहे हैं वह बहुपद उस बहुपद का गुणनखंड बन रहा है जिसमें हम भाग दे रहे हैं। तो जैसे हमको 7+3x से भाग देना है या 7+3x ये गुणनखंड है कि नहीं इस दिए गए बहुपद का, तो हम करेंगे क्या कि जो ये 3x³+7x है इस बहुपद में 7+3x से हम क्या देंगे भाग। और भाग देने पर अगर शेष 0 आ जाए तो हम यह कह देंगे कि यह जो है शेष फल अगर 0 आ गया तो हम कहेंगे कि गुणनखंड है, और अगर शेष 0 नहीं आया तो हम कहेंगे कि गुणनखंड नहीं है। तो देखिए जैसे हम 3x³+7x में x बराबर -7/3 रखने पर, अब यहां पर यह समझने की आवश्यकता है कि 3x³+7x का गुणनखंड ये वाला बहुपद है कि नहीं। तो हम देखिए ये पहले 7+3x की तुलना 0 से करेंगे, तो जब 7+3x की तुलना 0 से करेंगे तो हमें x बराबर मिल जाएगा -7/3। अब यही -7/3 इस दिए गए बहुपद में हमें रखना है, और अगर रखने से अगर इसका मान 0 हो जाएगा तो हम यह मान लेंगे कि ये 7+3x उस दिए गए बहुपद का गुणनखंड है अन्यथा नहीं। तो हम क्या करेंगे कि x³+7x में x के स्थान पर रखेंगे तो 3 × x के स्थान पर -7/3 का होल क्यूब प्लस 7 × -7/3, तो ये 3 × −7 का जब हम घन करेंगे तो माइनस में ही आंसर आएगा, 7 × 7 = 349 बनेगा, बटा 3 × 3 = 27 प्लस 7 × 49 तो -49 इसका हो जाएगा और बटे में 3 आएगा, तो ये 3 × 9 = 27 तो -343/9, फिर अगर इसको हम प्लस से करेंगे तो माइनस ही रहेगा 49/3। तो इस प्रकार से अगर 9 3 का एलसीएम निकाला जाए तो इसका एलसीएम क्या आएगा 9 ही आएगा, तो 9 × 9 = 9 एक से गुणा करेंगे तो -343 ही आएगा, फिर -3 × 9 तीन बार गया 3 × 9 = 27 हासिल 2 × 3 = 12 × 2 = 14। इस प्रकार से दोनों पद हमारे निगेटिव है ऊपर के अर्थात जुड़ जाएंगे तो -7 × 3 = 10 + 4 = 8 = 9 और 4 × 3 = 4 -490/9। तो देखिए ये -490/9 आ गया जो कि शेषफल 0 नहीं है, तो हम लिख देंगे कि अतः 7+3x 3x³+7x का गुणनखंड नहीं है। तो यहां लिखेंगे चूंकि शेष फल 0 नहीं है इसलिए 7+3x, 3x³+7x का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। अर्थात ये जो 7+3x है ये 7+3x 3x³+7x का गुणनखंड नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने आप लोगों को प्रश्नावली 2.3 के समस्त प्रश्नों को बताने का कार्य किया। आप लोग इस कक्षाओं का लाभ लेते रहें। धन्यवाद।